तो दोस्तों आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, तो देखिए मैं यहाँ पर एड्रेस, देखिए एक मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है, मैं यहाँ इंदौर में हूँ तो इंदौर का एड्रेस डाले हूँ। और दोस्तों लेकिन मैं अपने गांव वाला एड्रेस डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर करूँगा मैं क्लिक। आप देख सकते हैं सिलेक्ट डिफरेंट एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अब मेरा गांव वाला एड्रेस भी आ चुका है। जब मैं गांव में था दोस्तों, तो गांव में भी मेरा एक एड्रेस था, वहाँ मैं अमेजोन से प्रोडक्ट मंगवा रहा था, तो उस एड्रेस वाला वो वाला एड्रेस है यहाँ पर, तो मैं उस एड्रेस को अपने क्लिक कर दूँगा। ओके, आप देख सकते हैं ये वाला एड्रेस मेरे गाँव का एड्रेस ये, तो इस पर मैं सिंपली सिलेक्ट कर दूँगा। और दोस्तों यदि आपका अभी तक कोई एड्रेस नहीं है, अमेजोन से आपने कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा है, कोई एड्रेस नहीं डाला है, तो आप सिंपली यहाँ नीचे जो है एड्रेस डाल सकते हैं। आप सबसे ऊपर आपका नाम होगा यहाँ पर, और फिर दोस्तों यहाँ दो तीन लाइनों में एड्रेस डाल दीजिए अपना, और सिटी और स्टेट और पोस्टल कोड, या और फिर दोस्तों पोस्टल कोड या पिन कोड वही एक चीज़ है, और कंट्री आपको सिलेक्ट कर देना जिस कंट्री से हों आप। ओके दोस्तों, सिंपली आपको इस तरह से एड्रेस भरने के बाद, और फिर आपको नीचे जो है द पे लिस्टेड अबाउ, ओके यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन है, मतलब दो ऑप्शन है आपके पास, कि जो अफिलेट अकाउंट बना रहा है तो इसी का अफिलेट है, यानी कि यदि आप बना रहे हैं तो आप इसके ओनर हैं या फिर कोई दूसरा है। ओके दोस्तों, आप यदि कोई दूसरा है तो आप दूसरे ऑप्शन पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ही हूँ, तो मैं पहले ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ हु इज़ द मैन कंटेक्ट फॉर दिस अकाउंट, ओके दोस्तों फ़िलहाल मैं सिलेक्ट इस एड्रेस कर देता हूँ, और फिर इसे क्लिक करने के बाद फॉर US टैक्स परपोजेज आर US पर्सन, मतलब दूसरे ऑप्शन पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप US से हैं, यानी कि अमेरिका से हैं। तो दोस्तों यदि आप अमेरिका से हैं तो आपको अमेरिका यस करना है, यदि नहीं है तो आपको नो पर सिंपली क्लिक करना है। ओके और इस तरह से यहाँ का अकाउंट इन्फॉर्मेशन पेज क्लियर करने के बाद, फुलफिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको वेबसाइट डालना है। अब दोस्तों वेबसाइट डालना है, यदि आप कोई ब्लॉगर हैं या फिर गूगल पर आपका कोई वेबसाइट है, तो दोस्तों वहाँ पर आप उस अपने उस गूगल वेबसाइट की भी यहाँ वेबसाइट डाल सकते हैं, यदि आपका ब्लॉग वगैरह कोई गूगल पर। और दोस्तों यदि नहीं है, यदि आपका यूट्यूब अकाउंट है, तो आप यूट्यूब अकाउंट भी यहाँ डाल सकते हैं। और दोस्तों वो करने के लिए आपको अपने यूट्यूब अकाउंट या फिर अपने वेबसाइट की लिंक कॉपी करनी होगी, अपने फ़ोन से या फिर कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपली मैं यहाँ अपने यूट्यूब चैनल की वेबसाइट को लिंक को जो है पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने अपनी वेबसाइट जो है पेस्ट कर दी है। अब सिंपली आपको ऐड बटन पर टच करके और ऐड कर देना है, तो आपकी जो है वेबसाइट नीचे आ जाएगी। और दोस्तों यदि आप कोई और वेबसाइट डालना चाहते हैं, यदि फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम की, तो आप वहाँ की भी जो है यहाँ पर पेस्ट करने के बाद और ऐड पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो है वेबसाइट नीचे आ जाएगी। ओके अब दोस्तों यदि आपका एंटर योर मोबाइल ऐप URL, दोस्तों यदि आपका खुद का कोई एप्लीकेशन है जो आपका है, तो यदि उसकी लिंक है दोस्तों उस पर आप अफिलेट करना चाहते हैं, अफिलेट का ऐड देना चाहते हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन की लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके फिर दोस्तों सिंपली इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको सबसे पहले आप क्या भरना है मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर ID, मतलब कि आपका जो अमेजोन एफिलेट अकाउंट बन रहा है, तो दोस्तों इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा आपको। तो आप अपने चैनल का नाम दे सकते हैं या अपने ब्लॉग का नाम दे सकते हैं, कुछ भी। सिंपली मैं यहाँ डाल देता हूँ अपने चैनल का नाम साइंस राम किशन। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है ये, और फिर दूसरे ऑप्शन पर आना है आपको यहाँ पर, व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो है चैनल किस टॉपिक के ऊपर है, आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, या फिर दोस्तों आप किस टॉपिक पर अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल तुम लिख देता हूँ टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी एंड
और एक ख़ास बात दोस्तों, जब आप यहाँ अपना चैनल अफिलेट अकाउंट का नाम डालते हैं तो आप जितना भी लंबा नाम डालिए लेकिन उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नाम आपका रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा। ओके चलिए मैं हटा देता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओके। अब दोस्तों सिंपली आपको नीचे आना है, योर मोबाइल एप्लीकेशन लिस्ट को छोड़ देना है और विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट और मोबाइल। तो यहाँ पर आपको जो ऑटोमेटिव ट्रांसपेरेंट एजुकेशनल स्कूल प्रेफरेंस, दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका जो आप मतलब यूज करते हैं। फिलहाल तो मैं एजुकेशनल स्कूल और सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। और दोस्तों सेकेंडरी में भी आपको वही चीज़ करनी है जो आप कर रहे हो, हालांकि दूसरा भी कर सकते हैं लेकिन आपको ही सिलेक्ट करना जो आप करते हैं। ओके और दोस्तों यदि आपका कोई और अनदर टॉपिक है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऐड अनदर टॉपिक से, अब यदि कोई और टॉपिक यूज़ करते हैं तो। ओके और दोस्तों सिंपली करना क्या, व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि आप अमेजोन से किस तरह का प्रोडक्ट बिकवाना चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं। दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर सभी कुछ जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो कुछ आप चाहिए तो कर सकते हैं। ओके और टॉय एंड खिलौने को छोड़ देता हूँ मैं और बाकी सब कुछ क्लॉथिंग स्टोरी ये तो सब चलता है, इतना मैं कर लूँगा। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स, सिलेक्ट प्राइमरी, यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, सोशल मीडिया एंड ग्रुप। और दोस्तों दूसरे पर भी आपको जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पेज पर सेलेक्ट कर लेना है। ओके फिर दोस्तों आपको और नीचे आ जाना है जहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन। फिर दोस्तों आपको यदि आपका यूट्यूब चैनल है या वेबसाइट है कोई तो आप यहाँ पर सीईओ कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप कुछ और है यानी कि शॉपिंग पोर्टल है, ऑफलाइन है, ईमेल से कुछ मतलब आप नेटवर्क करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरा यूट्यूब चैनल है और ब्लॉग, तो ब्लॉग के लिए भी दोस्तों आपको यहीं अच्छा रहेगा, ब्लॉग्स यहाँ दिया हुआ है। ओके फिर दोस्तों और नीचे आ जाते हैं और हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम, तो सिलेक्ट प्राइमरी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यदि आपका यूट्यूब चैनल है और यदि आप ब्लॉग बनाते हैं या ब्लॉग है आपका गूगल पे या फिर क्रोम पर, तो दोस्तों आपको सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करना है कंटेक्सटुअल एडवर्टाइजिंग गूगल एडसेंस। तो ओके और दोस्तों यदि आपका कुछ और है थर्ड पार्टी अफिलिएट या फिर अदर अफिलिएट प्रोग्राम्स डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और बजट मतलब कुछ और भी है दोस्तों तो आप कुछ और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसे गूगल एडसेंस पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों सेकेंडरी टैब में भी दोस्तों यही ऑप्शन आते हैं आपको, तो जो आप चलाते हैं यूज़ करते हैं तो उसको यूज करिए, मैं तो फिलहाल गूगल एडसेंस सिलेक्ट करूँगा। ओके दोस्तों आपको सिंपली आना है और नीचे बहुत सारे ऑप्शन। फिर दोस्तों चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो आपको सिंपली यहाँ पर कर देना है आपको मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर। ओके दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद और नीचे आना है नेक्स्ट स्टेप पर, तो हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट्स एंड एप्स गेट पर मंथ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको ऐप्स पर या आपके यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर जो आपका ब्लॉग है उस पर मंथ यानी कि हर महीने लगभग कितने ट्रैफिक आ जाते हैं, कितने व्यूज आते हैं और तो इट सी। दोस्तों आपको जितने भी व्यूज आपको लगता है कि 5 से 10 लाख 50 लाख कितने भी आते हैं, 4000 5000, तो उसको आपको सिंपली वहां पर क्लिक करना है। और फिलहाल तो मैं मेरा भी नया यूट्यूब चैनल है दोस्तों, तो मैं सिंपली 5000 to 15000 कर देता हूँ। ओके और दोस्तों व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम। ओके तो मतलब आपका जो है एफिलिएट प्रोग्राम
जो आपका एफिलिएट है ये अमेजोन एफिलिएट, तो आप इसे किस उद्देश्य से करना चाहते हैं? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि पैसे कमाने के उद्देश्य से, तो यहाँ पर आप कहेंगे या सेलेक्ट करेंगे टू मोनिटाइज माई साइट। ओके दोस्तों, टू मोनिटाइज माई साइट करने के बाद आपको और सिंपली नीचे आना है। तो हाउ डिड योर यू हियर अबाउट अस, तो आप लोग को जो है एफिलिएट मार्केट के बारे में पता कैसे चला तो ये बताना है। तो फ्रॉम द अमेजोन डॉट इन साइट से, या फिर ऑनलाइन सर्च से, या फिर वर्ल्ड ऑफ माउथ से, तो इस तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर बता दूंगा कि फ्रॉम द अमेजोन डॉट इन साइट से, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सिंपली नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ कैप्चर कोड दिया जा रहा है, तो आप इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए फिर मैं इस कैप्चर कोड को फिल कर देता हूँ, 3X6YW3। फिर दोस्तों और नीचे आना है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है यू एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एसोसिएट प्रोग्राम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। ओके अब दोस्तों यहाँ पर इतना पूरा पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर सिंपली आपको फिनिश पर कर देना है। और दोस्तों फिनिश करने के बाद आपके सामने कुछ इंटरफेस, और दोस्तों कैप्चर कोड मेरा रॉन्ग हो गया, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम इसे दोबारा फिलअप कर देंगे। तो हम देखेंगे EAFF84। ओके दोस्तों यह कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको दोबारा से जो है इसे नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप लिस्ट और प्रोफाइल, ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कांग्रेट्स रामकिशन कुशवाहा, यानी कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजोन डॉट इन एसोसिएट प्रोग्राम, यानी कि आपका जो है अफिलिएट अकाउंट बन चुका है, कांग्रेट्स रामकिशन कुशवाहा। ओके अब दोस्तों सिंपली आपको यहाँ से एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, दोस्तों आपको यदि यहीं पर अकाउंट अपना लिंक करना है, जिस अकाउंट पर आप पैसे लेना चाहते हैं, तो कर दीजिए। फिलहाल तो मैं यहीं पर ऐड कर देता हूं, और नहीं तो आप और अंदर से भी कर सकते हैं और इसे फ़िलहाल एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कर देता हूं क्लिक, तो आपका जो है वीडियो पूरा कंप्लीट हो ही जाए। ओके फिर दोस्तों आपको सिंपली एक बार मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग में कि यदि आपका पहले से अकाउंट है तो आपको सिंपली यहाँ इस तरह से पेज ऊपर होगा, और हमें यहाँ फिर से एक बार लॉगिन होना है, तो हम कर देते हैं लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन हो, वेयर शुड बी सेंड द वन टाइम पासवर्ड। ओके दोस्तों आपको नंबर डालना है यहाँ पर, यानी कि आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड आने वाला है यहाँ पर, तो हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगी जिसे OTP कहते हैं, तो उस OTP को आपको आगे डालना पड़ेगा यहाँ पर, वहाँ मैसेज से कॉपी करके, मैसेज से देख करके। ओके तो चलिए मैं फिर इतना कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते। और दोस्तों मेरा जो है OTP आ चुका है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 052109। ओके दोस्तों इतना मेरा OTP आया हुआ है, और दोस्तों ये केवल 15 सेकंड तक ही काम करता है, 15 सेकंड के बाद ये काम नहीं करता है। और दोस्तों यदि आपका OTP नहीं है तो आप रिसेंड OTP कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं रिसेंड OTP, यदि आपके फ़ोन पर OTP नहीं आया है तो। ओके यदि आ गया तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि योर पेमेंट मेथड, ओके तो आर यू मोनेटाइजिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग्स इन एन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, क्लिक हियर टू लर्न मोर, पे मी बाई NEFT। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पे मी बाई NEFT, और यहाँ दोस्तों 1000 मिनिमम अर्निंग्स है, यानी कि जब आपके अकाउंट पर या आपका 1000 से अर्निंग अधिक हो जाएगी तभी आपके जो है मोबाइल पे आपके अकाउंट पर पैसा सेंड किया जाएगा। ओके उसमें मैं आपको एक खास चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि यदि आप जिस
देश से है आपको बैंक लोकेशन का दोस्तों इंडिया ही डालना है यदि इंडिया से है तो, यदि किसी और देश से है तो आपको अपने देश का नाम डालना है। और दोस्तों बैंक करेंसी देश, जैसे कि इंडिया में इंडिया की करेंसी चलेगी वैसे आप जिस देश में उस देश की करेंसी आपको डालना है। ओके, तो फिलहाल तो यह मैं इंडियन रुपीज़ ही करता हूँ, नहीं तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ और भी। ओके, फिर दोस्तों आप सिंपल करना क्या, आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालना है। दोस्तों आपको उस जिसका भी बैंक अकाउंट डालना चाहते हो दोस्तों तो डाल सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ मैं अपना ही बैंक अकाउंट डालना चाहता हूँ, तो मैं अपना ही नाम लिखूँगा, रामकिशन और कुशवाहा। ओके, इतना लिखने के बाद आपको जब बैंक अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर, और बैंक अकाउंट नंबर डालने के लिए दोस्तों एक बार आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और दूसरा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पर जो आपको बैंक अकाउंट नंबर अपना कन्फर्म करना है। ओके दोस्तों, मैं सिंपली यहाँ डाल देता हूँ बैंक अकाउंट अपना। और दोस्तों बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बैंक का एड्रेस डालना है, यानी कि बैंक के आपका नाम क्या है, और आपके बैंक का नाम डालने के बाद दोस्तों आपके बैंक का IFSC कोड डालना है। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ बैंक का नाम डाल देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके दोस्तों, ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, और यहाँ पर सिंपली दोस्तों IFSC कोड डालना है अपने बैंक का, तो यह आपके पासबुक पर लिखा होगा दोस्तों, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। पन्ना एक्स, और दोस्तों ये जो है कैपिटल में होना चाहिए इस तरह, यानी कि बड़े अक्षर में, तो यहाँ मैं इस तरह से जो है बड़ा कर देता हूँ सभी पे। ओके, अब दोस्तों अपना बैंक डिटेल फिलअप करने के बाद, और सिंपली आपको सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं इसे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपका बैंक अकाउंट तो लिंक हो चुका है। ओके, अब बहुत हैप्पी वाली बात है दोस्तों, बहुत खुशी वाली बात है कि आपका जो है अफिलेट बन चुका, और आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी फिलअप हो चुका है। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत अभी है, अभी आपको बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपने जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं किया दोस्तों, कि यानी कि आपका जो टैक्स है, जब तक आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फुल फिलअप नहीं करें जब तक आपका जो है पैसा नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों हमको करना क्या है, अब देखते सिंपली इस पेज पर टैक्स इन्फॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट पर पैसे लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं चेंज योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन में इंडिया करंट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ख़ास बात, यदि आपका पैन कार्ड नहीं बना तो पैन कार्ड आपको बहुत ज़रूरी है, आपको यहाँ पर पैन कार्ड बनवाना ही होगा। ओके, और पैन कार्ड से ही दोस्तों आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सबसे ऊपर लिखना है व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो आपको यहाँ इंडिविजुअल कर देना है, और दूसरे ऑप्शन पर आपको आता है यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रायर प्रॉपर्टी बिजनेस नेम इफ एप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सॉरी ये ऑप्शनल है, इसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट योर कंट्री रीजन ऑफ टैक्स रेसिडेंस, तो दोस्तों इंडिया है तो आपको इंडिया ही सिलेक्ट करना है। व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो इंडिया है तो दोस्तों इंडिया ही करना है। उसमें यदि आप किसी और देश के हैं तो आपको अपना देश सेलेक्ट करना है, अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है अपना प्रोवाइड योर पैन, यानी कि आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। अब दोस्तों आपको अपना पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर डू यू हैव अ लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इश्यूड बाई द इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो आपको यहाँ पर नो का सिलेक्ट कर देना है। ओके, और नो पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है
थोड़ा सा और नीचे आना है। प्लीज़ प्रोवाइड योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो है फॉर्मेट 15 डिजिट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दोस्तों ये भी छोड़ देना है आपको, ऑप्शनल है क्योंकि आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा नहीं। ओके फिर दोस्तों आपको और नीचे आना है और यहाँ लिखना है सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम। तो फ्रेंड्स आपको जो है टाइप योर फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं डाल देता हूँ अपना फुल नेम राम किशन कुशवाहा। ओके फिर दोस्तों आपको अपना यहाँ नाम डालने के बाद यहाँ आपको जो है डेट आ जाती है नीचे, तो डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है। फिर दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है सब पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद। ओके तो फिलअप कर देते हैं हम। और अब दोस्तों आप देख सकते हैं डू यू हैव अ लोअर टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, फिर आपको यहाँ पर नो कर देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है एक बार फिर से। फिर दोस्तों इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब दोस्तों आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका जो है कोई दिक्कत वगैरह है, कोई आप चीज़ छूट गई हो आपसे, तो हालांकि फॉर्म आगे ही नहीं होगा, प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगी, तो मतलब आपका सब कुछ सही है। फिर भी दोस्तों यदि आपको चेंज वेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं रिटेक के वहाँ पर। और दोस्तों यदि आप फॉर्म देखना चाहते हैं वेब फॉर्म्स, तो आप यहाँ पर फॉर्म ही देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कुछ नहीं करना है तो आप सिंपली एक्सेप्ट इंटरव्यू पर क्लिक कर दीजिए और आप जो है पेज वापस हो जाएगा और आपका जो है जीएसटी फॉर्म यानी कि टैक्स फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर मैं कर देता हूँ एक्सेप्ट। और यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद और अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी इनकम्प्लीट लिखा हुआ था लेकिन अब यह कम्प्लीटेड हो चुका है। ओके दोस्तों तो मतलब अब आपका अफिलिएट पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। अब जितनी भी अर्निंग आएगी अब सब कुछ आपके अकाउंट पर, 1000 से ऊपर अर्निंग आई तो आपके अकाउंट पर आ जाएगी। ओके दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अब दोस्तों आपका जो है अकाउंट बनने के बाद अब आपको किसी प्रोडक्ट की लिंक कैसे देना है, कैसे शेयर करना है, दोस्तों आप मैं आपको यहीं से डायरेक्टली बता देता हूँ आपको करना क्या। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट लिंकिंग यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोडक्ट लिंकिंग का, तो आपको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखना है प्रोडक्ट लिंक्स। ओके दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो जो ये प्रोडक्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये सभी प्रोडक्ट दोस्तों आप इन्हें बेच सकते हैं। ओके अब दोस्तों करना क्या है, आप देख सकते हैं इनकी साइड पर यहाँ दोस्तों गेट लिंक मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट को आप वो करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके और एक ख़ास बात दोस्तों, यदि आप जो है कोई प्रोडक्ट स्पेशली कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप यहां से कोई प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं ट्राईपॉड। ओके तो यहां मैं सर्च कर देता हूं ट्राईपॉड। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर ट्राईपॉड आ चुके हैं और सही प्रकार के ट्राईपॉड आ चुके दोस्तों, और इनकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ से लिंक गेट, अब दोस्तों मान चलिए मुझे किसी तो आप यहां से लिंक कॉपी करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या फिर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके लिंक से किसी ने प्रोडक्ट ख़रीदा तो उसकी कमीशन आपके बैंक अकाउंट पर ऑटोमेटिक ऐड होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। ओके दोस्तों तो आज की वीडियो बस इतना ही।